अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी। पेज नंबर 14 पे हमने चैप्टर गुड मैनर्स की बुक एक्सरसाइज की थी। उसके बाद जब आप छुट्टियों के बाद आए हैं तो हमने 4 जनवरी को पोएम स्टार्ट की थी अपनी पेज नंबर 15 पे, पोएम माय फ्रेंड, उसकी समरी और बुक एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको SW में दी थी। ठीक है, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आज आगे से काम करेंगे। पेज नंबर 18, मंथ ऑफ जनवरी की हेडिंग डालिए। चैप्टर 2 हॉबीज़, चैप्टर 3 प्लेसेस अराउंड माय होम, ये हम दो काम करेंगे इसमें। इसके बाद पेज नंबर 19 पे आइए, चैप्टर 2 हॉबीज़ का टाइटल पेज बनाइए। पेज नंबर 20 पे आइए, डेट लिखिए, CW लिखिए, समरी, राइटिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस, बुक एक्सरसाइज। इसके बाद पेज नंबर 21 पे आइए, यहाँ पे आप अपने चैप्टर के 1 पेज राइटिंग करेंगे। अब बुक निकाल लीजिए रीडिंग के लिए। पेज नंबर 19, चैप्टर हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है मशागल, ये है हॉबी का प्लूरल। ठीक है, हॉबी मतलब होता है मशगला, हॉबीज़ यानी मशागल, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो हम अपने फारिग टाइम में करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। द एक्टिविटीज़ डन इन आवर स्पेयर टाइम विच गिव्स अस इंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस आर कॉल्ड हॉबीज़। हॉबीज़ वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो कि हम अपने फालतू टाइम में करते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है और जिनसे हम लुत्फानंदोज होते हैं। लेट्स लुक एट दीज बिजी चिल्ड्रन, दे हैव डिफरेंट हॉबीज़। नीचे देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत मसरूफ़ हैं, जिनके मुख्तलिफ हॉबीज़ हैं। दे डू डिफरेंट थिंग्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये बच्चा है, इसकी क्या हॉबी है हम पढ़ते हैं। इस बच्चे का नाम है अली और अली अपने बारे में बताता है कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, इट कीप्स मी हेल्दी, एवरी डे आई गो टू द प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई कैन रन वेरी फास्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। अली कहता है कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, ये मुझे सेहतमंद रखती है। रोज़ाना मैं अपने घर के पास, घर के नज़दीक जो प्ले ग्राउंड है, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ और मैं फ़ुटबॉल खेलते वक्त बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। अब एक और बच्चा है आमिर, इसकी क्या हॉबी है? ये कहता है कि आई कलेक्ट स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़, आई पेस्ट देम इन अ बिग स्टैम्प बुक, आई कैन आइडेंटिफाई द स्टैम्प्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ इजीली। आमिर कहता है कि मैं स्टैम्प्स जमा करता हूँ मुख्तलिफ शहरों की और मुख्तलिफ ममालिक की, और उनको अपनी एक बड़ी सी स्टैम्प बुक पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं मुख्तलिफ ममालिक की स्टैम्प्स को शनाख्त कर सकता हूँ, उनको पहचान सकता हूँ। अब आइए आप पेज नंबर 20 पे। ठीक है, अब ये बच्चा है अलीम। अलीम कहता है आई लव टू मेक थिंग्स आउट ऑफ स्क्रैप, आई फाइंड ओल्ड थिंग्स एंड पेपर्स अराउंड द हाउस, आई कैन मेक चार्ट्स, पेंसिल होल्डर्स, पेपर बोर्ड्स एंड पेपर फ्लावर्स। अलीम कहता है कि मुझे फालतू चीज़ों से या रद्दी से मुझे चीज़ें बनाने का शौक़ है, जैसे कि मैं अपने घर के इर्द गिर्द अपने घर में मौजूद फालतू चीज़ें ढूंढता हूँ, पुरानी चीज़ें ढूंढता हूँ, जैसे कि पेपर्स हैं या दूसरी चीज़ें, उनकी मदद से मैं बनाता हूँ पेंसिल होल्डर, इस तरह ही आप देख रहे हैं बोर्ड, फ्लावर्स वगैरह, ये मैं उनसे बनाता हूँ। अब एक बच्ची है जोहा। जोहा अपने बारे में बताती है आई लाइक टू ग्रो प्लांट्स, आई हैव अ लिटिल गार्डन, आई सो सीड्स एंड वाटर देम, ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। जोहा कहती है कि मुझे पौधे उगाने का बहुत शौक़ है, मेरे पास एक छोटा गार्डन है, एक बाग है, जहाँ मैं बीज बोती हूँ और उनको पानी देती हूँ स्प्रिंग यानी कि बाहर के मौसम में, वो वहाँ पे खूबसूरत फ्लावर्स उग जाते हैं या खिलने लगते हैं। अब एक और बच्ची है हफ्सा। हफ्सा कहती है आई लव पेंटिंग एंड ड्राइंग, आई हैव मैनी पेंट्स, क्रेयॉन्स एंड पेंसिल्स, आई कैन ड्रॉ डिफरेंट स्केचेस एंड पेंट विद डिफरेंट कलर्स। हफ्सा को पेंटिंग करना पसंद है और ड्राइंग करना पसंद है, इसके बाद बहुत से पेंट्स हैं और क्रियॉन्स हैं और पेंसिल्स हैं, ये डिफरेंट स्केचेस भी बना सकती है और पेंट भी कर सकती है मुख्तलिफ रंगों से। अब एक और बच्ची है कशफ, ये कहती है आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड चिल्ड्रंस मैगजीन, आई गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डेली इवेंट्स एंड टॉक अबाउट दैम विद माई पेरेंट्स। कशफ कहती है कि मुझे अखबार पढ़ने का और बच्चों के रिसाले पढ़ने का बहुत शौक़ है, यहाँ से मुझे बहुत सारी मालूमात मिलती है, यहाँ से मुझे बहुत सारी मालूमात मिलती है
रोज़ाना के जो वाक़ियात होते हैं, जो डेली इवेंट्स होते हैं, इनके हवाले से मुझे बहुत सारी मालूमात मिलती है और इस मालूमात को मैं अपने वालदैन के साथ डिस्कस करती हूँ, इनको इस बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है बच्चों, हमने इन बच्चों की हॉबीज़ पढ़ी हैं, अब आप लोग भी बताइए कि आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, आप लोग क्या करते हैं अपने स्पेयर टाइम में। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के काम के साथ। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।